शादी में प्रेमिका रोड़ा बनने लगी तो प्रेमी ने प्रेमिका और उसके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी और उनके शव खेत में गड्ढे में दफन कर दिए। यह सनसनीखेज वारदात मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर की है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में जो वजह सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। एक युवक का इस परिवार की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। जब उसकी शादी हो रही थी तो युवती रुकावट बनने लगी, तभी उसने प्रेमिका समेत उसके परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और फिर खेत में गहरा गड्ढा करके सभी को एक साथ दफन कर दिया। 13 मई को नेमावर बस स्टैंड के पीछे किराए के मकान में रहने वाले परिवार के गायब होने की सूचना उनकी पीथमपुर में रहने वाली लड़की भारती ने दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले की जांच की और 5 लोगों को हिरासत में लेकर इस वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने सूचना के आधार पर नेमावर निवासी हुकुम सिंह चौहान के आत्माराम बाबा मेला मार्ग स्थित खेत में मजदूर का काम कर रहे व्यक्ति को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने खेत मालिक के पोते 25 वर्षीय सुरेंद्र सिंह चौहान और उसके छोटे भाई भूरू के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद दोनों को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और 5 गुमशुदा के शव खुद के खेत में गड्ढा खोदकर गाड़ने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने जेसीबी से खुदाई कराई और नगर परिषद के सफाई कर्मियों की मदद से गड्ढे की मिट्टी निकालकर ममताबाई 21 वर्षीय, रूपाली 14 वर्षीय, दिव्या 15 वर्षीय, पूजा और 14 वर्षीय वन ओसवाल के शव बरामद किए। ग्रामीण एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पुलिस लगातार सभी को ढूंढने में जुटी हुई थी, उसी के परिणाम स्वरूप शव बरामद हुए हैं। और लगातार इसकी एक मोबाइल जो थी, जो इसमें बिस्तर रूपाली है, उसका लगातार हमने 5 टीमें बनाई थी। खंडवा, होशंगाबाद और कई जगहों पे लगातार अभी फाइनली चोरल डैम पे लोकेशन आया था और हम बहुत तकनीकी दृष्टिकोण से और लगातार इसमें कई टीमें बनाकर हम इसमें प्रयास कर रहे थे। और ये पुलिस की ही मेहनत है कि आज हमने इतने जघन्य हत्याकांड को, इसमें आरोपी को उगलवाकर और हमने आज इस जगह पे आकर हम इन जो 5 लोग हैं उनके लाशों को हम दस्तयाब कर पाए हैं, क्योंकि इतने भरे गड्ढे में इनने वो किया था कि जब तक कोई पिन पॉइंट अगर इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रॉपर नहीं होता, जांच अच्छी नहीं होती तो ये इसको निकालना दुरूह कार्य था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया कि रूपाली के साथ सुरेंद्र का मिलना जुलना था। सुरेंद्र की कहीं और शादी होने वाली थी जिस पर रूपाली ने आपत्ति करी थी। इस पर सुरेंद्र ने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर शवों को खेत में दफना दिया। यह भी बात सामने आई है कि मौत के बाद आरोपी ही लड़की का मोबाइल चलाकर सकुशल होने के मैसेज डालता रहा, लेकिन जब पुलिस ने फोटोग्राफ पर नजर रखी तो हर बार वे पुरानी फोटो डालता, इससे पुलिस को शक पुख्ता हो गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।